Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेजबान जुनैद सलीम। नाज़रीन, चंद दिन पहले हिंदुस्तानी सरकार ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से जारी किए गए वैलिड वीजा रखने के बावजूद सिख यात्रियों को पाकिस्तान में दाखिल होने से रोक दिया। इसी मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है चंद सिख यात्री। सर श्री अकाल जी, की हाल चाल है सरदार जी? जी रब की बड़ी मेहर है। मेरा ख्याल है कि पहले हमारे नाज़रीन के साथ थोड़ा सा तारुफ करवा दें अपना। बलराम सिंह हुशियारपुर तो। जसबिंदर बिरक पानीपत तो। रविंदर सिंह जी चंडीगढ़ तो। मलिंदर जी लुधियाने तो। गुलबाज सिंह जी शुरू तो। शुरू तो। मेरा मतलब है जी कि तारफ अपना की कराना है। अहीं तो प्यार करन वाले जी हैं, इत्थे प्यार दी वजह तो जाउंदे आ। मत्था टेकण आंदे आ, नाले ज़ियारतां हो जांदियां, नाले पाकिस्तानियां दा प्यार मिल जांदा। आ तुहाडा प्यार खिच के लिआउंदा नहीं ते मैनूं ते ट्रैक्टर नहीं खिच सकदा। महाराज दुख इस गल दा होया अहीं ते शुरू तो ही आउने इत्थे। मत्था टेकने अपने गुरुआं दे। पता नहीं क्यों सानू मोदी सरकार ने रोकता है। क्या वजह है? गल को वजह भी दसन ना जी, तां समझ भी आउंदी। अच्छा, आपकी जाती राय क्या है, ख्याल क्या है आपका कि क्यों रोका है मोदी सरकार? इहदे रब ही जाणदा जी, सानू ते जिहड़ी समझ आउंदी आ इही आउंदी आ, एवें तंग नजरी आ। पता नहीं ये मोदी दे को दिल च चोर आ। वैसे तो देखो ना, उत्थे भी लोग तंग ही पए आ, साडी आ जिहड़ी मौजूदा हुकूमत आ। जदों दा बैठा मोदी, कारोबार ठप हो गया, कुछ साल बड़ा हो गया, बेड़ा गर्क होया कब तक। ये सिख यात्रियों की आमद साला साल से जारी है और पूरी दुनिया से कमोबेश हर साल 10-12 हज़ार जो सिख यात्री हैं रेगुलर आता है। कभी कोई शिकायत नहीं हुई, मेहमान नवाजी की जाती है, वो भी खुश जाते हैं, कभी कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। मेरा मतलब यार, जब वीजा जो तुहां दे दिता, पाकिस्तानी हुकूमत ने वीजा जो देता, तो फिर इन्हां दे डकण वाली ते गल ही नहीं बनदी। भाई डकणा हुंदा ते पाकिस्तान डकदे सानू, इन्हां दी गवर्नमेंट डकदी, ते साडी अपनी हुकूमत ने डक लिया। सिक्योरिटी दा नां दे के, भाई सिक्योरिटियां काहदियां, सानू ते इत्थे कोई डर नहीं लगदा। रब जानदा, अहीं ते रब नूं जाण देणियां, अहीं ते इत्थे आने आ, जद वी सानू तां कोई परवाह नहीं हुंदी। महाराज आ जिहड़े पाकिस्तान दे वासी प्यार करदे आ ना सरदारां नूं, इसे चीज दा शायद गुस्सा लगा मोदी सरकार। हां बिल्कुल, ऐसी कोई वजह है, वरना कोई टेक्निकल वजह तो नहीं है कि आपको दाखिल होने से रोक? जी टेक्निकल वजह की होनी आ, ए ते नहीं ना भाई होरी छोटे आ, ते इहनां दा पासपोर्ट भी छोटा सी। या वो बड़े आया भा मेरा, तो उहदा पासपोर्ट भी नाल बड़ा लै गया। भाई इक्को जिहड़े पासपोर्ट हर इक दे ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਮਾਂਗਾ, ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ਾਇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ, ਵਰਨਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਕੇ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਹਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਜੁਗਤ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਣ ਡੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਇਓ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰੋਂ ਕੀ ਹਿੱਸੇ ਜ਼ਰਾਫਤ ਕੀ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਮਿਸਾਲੇ ਦੀ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਲਬਾਸ਼, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥਾ ਸਜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਲਰਾਮ ਮੇਰਾ ਲੰਗੋਟੀਆ ਵੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾ ਜੁਨੈਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆ। ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਧਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਆਜ ਵੀ 27,000 ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਆਬਾਦ ਹੈ। ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਪੁਕਾੜੇ ਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾਈ ਕੋਲੋਂ ਛਿੱਤਰ ਛੁੱਤਰ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਉਕਾੜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਇਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪਾਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। आप मेरे मेहमान बने हुए, इसलिए मैं जवाब नहीं दे सकता। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਨੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਆ ਨਾ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਚਕਾ ਲਓ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਨਾਲ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
हद हो गई यार, ट्राली वाली मिट्टी की गल नहीं कर रहा, छापर च लैके जाएगा मिट्टी इनी को, ओदे बुजुर्ग मिट्टी गो के दोबारा एक इंज का बनाना है। ट्राली कदरी लैके आ जाता, ए बुजुर्ग केड़ा बलराम बनाना सी। काका एडे जवाब तो हूं बनते ही नहीं, हूं तो यहो जे आउंडे नहीं सरदार। पंजाब च एडा जवान हुंदा ही नहीं, एडी ते जुगत हुंदी आ। ए परेशानी ए लगी है कि डक कद ली लिया असीं ते आबड़े आ, असीं आने अगली बारी फिर सानू भी ना डक लै। सरदार जी पहले पाकिस्तानी दरियावां दा पानी डकिया, हुण सरदारां नूं डक लिया। मैनूं लगदा कि डकना इहनां दी आदत है। आदत काहदी आ, भूदी वर्गा बंदा ते रक्षा डके ते ओह नहीं डकिया जांदा। डकदे हां मलिंदर नूं, 30 साल कबड्डी खेडी आ जनेश साहब, मलिंदर नहीं डकिया गया। अच्छा मलिंदर डकिया भी जाए ते पिछों पानी दी बाल्टी रोड़ो ते निकल जांदा। मशरफ जंजुआ नूं मिलना ही। अच्छा वीरे कबड्डी दा तां सारे पंजाबी शौकीन आ। अच्छा आप भी कबड्डी खेलते? बशेष ढाई फुटिए ने की खेडनी है, ए तो बस रात में जो बतखां डकदा ना अपनी खुंडे च, ओनी देरी कौड़ी खेडदा। मैदान उतरदा सा मिट्टी पुट दिंदा सा, साह पौण जांदा सा मैं, तूफान आ जांदे सी। मैं आना जी इन्हें इंज करना ते स्टेडियम च रौला पै जाना, ओए हेलीकॉप्टर उड़न लगा जी। यही वो सेंस ऑफ ह्यूमर है इनकी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। भाई जी गल मखौली ना पवे तो मजे नहीं। अच्छा सरदार जी आप हर साल आते हैं यात्रा पे? हर साल तो नहीं, पैसे चार पांच बारी में आया, आप पंजवी बारी आए। जबरदस्त। मैं हर साल आंदा रहा, बस पिछले साल नहीं आया। क्यों? फड़िया गया सर। कबड्डी च नहीं फड़िया गया, कभी थाने फड़िया गया। क्यों पकड़े गए थे? बस जी किसे जिमीदार दी पैली चो लंघे आ, उहदे ढाई तीन मन खरबूजे फे दिते। फिर परचा कराया, माल साडा दियो नहीं तो पैसे दियो। अच्छा आप सब आते रहते हैं? मैं 15 बरे पहले आया सीगा, तो हूं आया। 10 साल तो बिचों को बचा रहा। नहीं ताया मैं बीमार रहा। पुत हूं भी बीमार है, हूं कड़ा तू टर्मिनेटर है। बेचारा बीमारी नाल ही कमजोर हो गया, और कमजोर एडा हो गया फाइनल मैच नहीं हारे असी क्रिकेट दा। ओ योवराज दा जदों काके ने लिया ना रिव्यू, इस बेचारे ने कमजोरी नाल ही मिर्गी पै गई। अच्छा अपने मुल्क की मोहब्बत में? यही तो दुख है जी, असि भी अपनी मुल्क ना प्यार कर रही है, साडा भी ओ मुल्क है, मगर आ जेड़ा मोदी सरकार है ना, बल्कि मोदी कल्ला जेड़ा एहो जिहा चवल बंदा पहले सरदारां कदी नहीं वेखिया। अच्छा वजह क्या है? आज लाहौर में भी सिखों ने मोदी सरकार के खिलाफ मुजाहरा किया। और चंगी नहीं करता जी, बड़ा इंतहाई घटिया बंदा है। देखो ना तुसी सरदारों का मौकफ ये है कि जब इनकी अपनी यात्राएं या मजहबी रसूमात होती हैं तो इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से फैसिलिटेट करती है। ये अमरनाथ यात्रा के मौके पे हेलीकॉप्टर सर्विस तक फराहम की जाती है। अच्छा। और हमारे लगे हुए वैलिड वीजा को रोक दिया गया। सरदार हमारी मौत पै जाती है, आप भी लगा फिरता है सारी दुनिया से, कभी अमरीका जाऊं लिया, कभी रूस पहुंचे है, हालां जेड़े मर्जी मुल्क च जांदा होवे ना, लगदे नहीं किसी मुल्क का सदर आया, लगदा किसे दा पक्खा ठीक करन आया। हर चौंका च इहदे खिलाफ इतजाज होण डिया, इहदे पुतले साड़न डिया, इहनूं फेर समझ नहीं आउंदी। रविंदर जी आप भी पुतले वर गई, आप कदों बंदा लगदा। ऐसा चक्की मजाज आए मोदी, तुहानूं की दसीए जनैद साहब, 17 बरिया के बाद आफ्टर 70 ईयर्स, अब पाकिस्तान की सरकार ने साडा अमृत जल वाला कुआं फिर तो स्टार्ट किया। और नाल पाकिस्तान की हुकूमत ने जिथे मर्जी सरदार होण ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਕੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੁਣ ਅਰਧਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਸਾਰਾ ਉਸਕੀ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
पिछले दिन अमरीका गया ट्रंप नू जफियां लान डे भाई तेन मिलना नहीं चाहता कदली अगले न चमड़न डे ओन कन च कह डे पछाने मैं तुम्हारी फूफी का पोता ब्यूटीफुल स्पेलिंग दस ये चवल जी अगो कहिंदा मैं ब्यूटीफुल है ही नहीं मैं क्यों ते स्पेलिंग याद करा ब्यूटीफुल कोई घर घर थोड़ी जमदे आ कितों जमदे सदियां नूं सदके जावा तेरी ब्यूटी दे लचकारे सरदार जी आप घबराए ना मोदी हुकूमत का सही सरदार मैदान च पैर रखे तो ढोल आप ही खड़क पैंदे आ छोटा सा बक्सा हमारे साथ रहिएगा। जनैद बेहिसी जो है ना वो सिर्फ हमारे इर्द गिर्द नहीं अब दूर दूर तक फैली हुई नजर आती है बल्कि यूं कहना बेजाना होगा कि अब वर्ल्ड लेवल पे बेहिसी छा चुकी है। देखो ना जरा कि किस तरह कितने कितने बड़े इश्यूज को इग्नोर कर दिया जाता है और कितने मामूली से हमें जाती इश्यूज को उठा के उनका ब्लंडर बना दिया जाता है। मैं हैरान हो रहा था कि कल सुबह बोहरान वानी शहीद की बरसी के हवाले से खबर चल रही थी तो मैं सोच रहा था कि यार एक साल हो गया इस वाक्य को और उसके बाद उसके पीछे उसकी ताइद करते हुए हजारों बच्चों ने वहां पे जख्मी हुए जाने कुर्बान की पता नहीं क्या क्या हुआ आंखें जाया हो गई 200 से ज्यादा कश्मीरी शहीद हो चुके हैं वानी की शहादत के बाद तो सिर्फ वानी की शहादत के बाद। हाँ और तुम देखो कि इर्द गिर्द जो हमारा इर्द गिर्द भी क्या हमारे पाकिस्तान में या तुर्की में कुछ एहतजाज नजर आता है वरना पूरी दुनिया को पता ही नहीं है कि एक खित्ते के अंदर इंसानों के साथ बल्कि जिन जिन मुल्कों से ये तवक्को थी कि वो कम अज कम और किसी बात पर नहीं तो कम अज कम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज भी दूर की बात है कोई पाबंदी भी दूर की बात है कम अज कम साथ खड़े होंगे कश्मीरियों के थोड़ा सा सपोर्ट तो होती है उन मुल्कों का उन आलमी ताकतों का रवैया इतना अफसोसनाक है। इस वक्त तुम देखो कि पूरी हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए पिछले कई महीनों से यह खौफ जो है उनके जेहन पे समाया हुआ था कि बुरहान वानी की पहली बरसी पर क्या होगा उन्होंने पूरा जोर लगा दिया इस वक्त। और सबसे जो अफसोसनाक बात है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाह रहा हूं वो है कि बर्तानिया में एक बड़ा कश्मीरियों का इकट्ठ एक्सपेक्टेड था बहुत बड़ी एक रैली का एहतमाम किया गया था। हिंदुस्तान की हुकूमत ने पहले तरह तरह क्रश करने की कोशिश की है ये कश्मीरियों की जो बैन अल-अक़वामी फोरम्स पे आवाज को दबाने के लिए पहली दफा इस हद तक हुकूमत हिंद गई है कि उन्होंने बरतानवी हुकूमत को बकायदा खत लिखा है कि कश्मीरियों को रोका जाए इकट्ठे होने से और इजाजत ही ना दी जाए और बगैर किसी सूचना के बगैर किसी क्लैरिफिकेशन के बरतानवी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी बरतानवी हुकूमत ने इजाजत देने से इंकार कर दिया। नहीं जी नहीं अब तो ईमान से कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना उधर बात कोई और हो रही होती है सवाल कुछ और हो रहा होता है वो जवाब को अपने मतलब का दे रहे होते हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया का हिसाब तो उस बेवकूफ वाला हो गया हुआ है जिसने रक्षा डाल लिया ना तो रक्षा खड़ा करके ना सड़क के किनारे तो खुद पास खड़ा था एक बंदा आकर से कहता है भाई जी चलना जी अगर कहता है देर बड़ी हो गई है चलना तो है पर रक्षे का ध्यान कौन रखे। अच्छा हिंदुस्तानी हुकूमत को इस फोबिया में मुब्तला करने में ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान फाइनल मैच हुआ उसने बड़ा अहम रोल प्ले किया। उस दिन तो बिल्कुल इस तरह लग रहा था कि श्रीनगर मैं तुम्हें बिल्कुल हमसे ज्यादा हमारे जितना नहीं हमसे ज्यादा मुझे वहां पे मौजूद एक मेरे साफी दोस्त ने मुझे कुछ क्लिप्स भेजे अगर मैं दिखाऊं यकीन करो कि पाकिस्तान के किसी शहर में किसी गली में किसी सड़क पर इतना जोश और खरोश नहीं था जितना श्रीनगर में था। जरूर दिखाओ ये ताकि पाकिस्तानी को पता चले कि उधर
पर लोग कितना लव करते हैं। और हिंदुस्तानी हुकूमत के लिए ज्यादा परेशान कुन बात यह है कि ये मामला अब सिर्फ मकबूजा कश्मीर तक महदूद नहीं रहा। अच्छा, ये इस फाइनल के बाद मध्य प्रदेश और उत्तराखंड से कम अज कम 15 लोगों को पाकिस्तान के हक में नारे लगाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। ओए, ओए, ओए। फैलती जा रही है बात। जी सिर्फ गिरफ्तारी कहाँ रह गई, वो देखो ना रबड़ की गोलियां मार सारी हदें फलांग सारी, और ऐसी बेहिसी ईमान से ऐसी बेहिसी का मुजाहरा कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो सुपर पावर्स बनी हुई हैं और ये ताकतवर लोग और जदीद लोग और बड़े ये इंसानियत के टोल बजाने वाले, किसी ने कोई एहतजाज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि की करन रहे हो, खुद तो चलो एहतजाज नहीं किया, कश्मीरियों को भी एहतजाज का हक देने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त पूरी जो मकबूजा वादी है वो एक फौजी छावनी नहीं बल्कि किसी ऐसी फौजी छावनी में तब्दील हो चुकी है दो चार दिन के लिए, जिसको यानी कोई थ्रेट आया हो कि यहाँ पे धमाका होने वाला है। यानी 21,000 से ज्यादा फौजी सिर्फ इस उकैन को इस उकैन पे इस मौके पे लोगों के इकट्ठ को रोकने के लिए वहां पे तैनात, ये बरसी रोकने के लिए वहां पे 21,000 से ज्यादा भारतीय फौजी। मगर ये इनको अब मेरा ख्याल है अब तक तो मैसेज मिल गया होगा कि ये काम अब रुकने वाला है। और इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि यूथ मैदान में आई है। हाँ जी, इन इतने नौजवान मैदान में आ चुके और उसका कॉम्बिनेशन बड़ा डेडली है। जर्मनी में काम करने वाली एक खातून कश्मीरी एक्टिविस्ट और एनालिस्ट है रिफत वानी, उनका कहना यह है कि हिंदुस्तान को पहली दफा इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा है कि एक सोशल मीडिया और नौजवान यूथ, इसका एक डेडली कॉम्बिनेशन है जिसका हिंदुस्तानी हुकूमत को सामना है। और ये बड़ा सही एनालिसिस है कि सोशल मीडिया को भी नहीं रोका जा सकता, नौजवानों को भी नहीं रोका जा सकता, और वो अब एक उसको ग्लैमराइज करके देखते हैं, बुरहान वानी को अपने हीरो के तौर पर देखने लगे। बुरहान वानी सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ कोई कश्मीरी एक्टिविस्ट था जो बंदूक लेके मैदान में आ गया था, उससे मंसूब कहानियां नौजवान एक दूसरे को बकायदा सवाब समझ के सुनाते हैं, मजे लेके सुनाते हैं। हाँ। ये था वो वानी, वानी ने ये किया, वानी ने ये किया। हाँ, अभी मैं अगले रोज पढ़ रहा था सबसे जो मशहूर वाक्या मंसूब है बुरहानुद्दीन वानी से कि वो मतलब हिंदुस्तान की इस बर्बरियत बिल्कुल छोड़ के वो लिफ्ट ही नहीं करवाता था हिंदुस्तानी फौज को, वो एक दफा उसने मैसेज कर दिया, वो छेड़ता था बकायदा, एक दफा किसी हिंदुस्तानी को कमांडर को फोन करके कहता है कि मैं दरिया में इस जगह पे नहा रहा हूं, पकड़ सकते हो तो आके पकड़ लो, तो थोड़ी देर के बाद वहां पे कमांडर अपने साथियों समेत पहुंच गया, वहां पर बिल्कुल ताजा इस्तेमाल शुदा साबुन की टिक्की पड़ी हुई थी, और वो उसके बाद दोबारा उसने फोन किया, कहने लगा अब इस साबुन से खुद भी नहा लो और अपने साथियों को भी नहलाओ। बल्ले 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 बल्ले। जी यंगस्टर जो है ना वो अगर कोई किसी चीज की ठान ले तो वो फिर नहीं हटते। बिल्कुल, मेरा ख्याल है ये जो है ना अपना मोदी, इसने उस कबूतर की तरह आंखें बंद की हुई हैं जो बिल्ली सामने आए तो आंखें बंद करके ये समझता है कि अब मैं बच जाऊंगा, उसको पहजी उड़ना ही पड़ता है। और ये अब वन जो है मोदी साहब, इसको कश्मीर से अब उड़ना ही पड़ेगा वरना बिल्ली जो है ना वो सामने आ चुकी है। बिल्कुल, मोदी भी रात को सोता नहीं होगा। नहीं जी, नहीं मैं सुनिया सारा दिन सिगरेट ला के सामने आते थड़े ते बह रही है और वेंदा रही है कि कोई इधर फौजी लंगे तो उन्होंने पूछा भाई जी उधर कोई काम हौला होया कि नहीं। और इसमें खतरनाक चीज जो मोदी के लिए या इंडिया के लिए है ना वो ये है कि पहले तो सिर्फ इंडिया के खिलाफ नफरत पाई जाती थी कश्मीर के जवानों या कश्मीर की आवाम में जी। अब नफरत भी बढ़ गई है इंडिया के खिलाफ और साथ पाकिस्तान के साथ मोहब्बत बहुत बढ़ गई। हाँ, उसमें इजाफा हुआ। एग्जैक्टली, अब हर जगह पे जहां पे पूरे श्रीनगर में आप देखो कि बुरहान वानी की तस्वीरें और नारे हैं वहां पर साथ पाकिस्तान का झंडा बना हुआ। हाय 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 हाय, अल्लाह ताला इंशाल्लाह आजादी देगा कश्मीर। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया जनाब साहब, अब हमें मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। तो आपकी मोहब्बत क्या, आप तशरीफ ले आते हैं जब बुलाते हैं? ये तो हमारी इज्जत अफजाई है, ये अल्लाह के फजल से जनाब साहब हमने लोगों की खिदमत की है जी। सारी आवाम ही आपकी तरह हमारे साथ मोहब्बत करती है जी जी। और इंशाल्लाह आइंदा हुकूमत में आके और ज्यादा लोगों की खिदमत करेंगे। चांस है कोई दोबारा आने का?
जनाब साहब अल्लाह ताला के फजल करम से लोग आज भी हमारी हुकूमत को याद करते हैं। ये नून लीग वालों ने पहले भी मैंडेट चोरी किया था, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हमारा मैंडेट चोरी किया था। पीटीए वाले कहते हैं हमारा चोरी किया था। जनाब साहब जुम्मा जुम्मा चार दिन हुए उनको सियासत में आए हुए, हम तो ये नून लीग से ज्यादा सीनियर सियासतदान है। अच्छा, पीटीए की कोई अहमियत नहीं आपके मुकाबले? आज जमी गिदड़ी से कल होया भैया। जैसे कल तक आप कह रहे थे कि अगर ये चार जमाती इत्तेहाद बन जाए, जिसकी सरबराही के लिए आप कोशां थे, तो आप कह रहे थे कि मुल्क की तकदीर बदल जाएगी, एक आप, एक जमात इस्लामी, एक पीटीआई और एक कादरी साहब की अवामी तहरीक। अरे बात तो ठीक है। अब पीटीआई कहाँ चली गई? नहीं तो चलो पिछला फिक्र कर दियो फिर। कौन से वाला? गिदड़ी वाला गया। चलो खरे कदों जमी गिदड़ी दे कदों आ गया। हां इंज कर लो। नहीं मेरा ख्याल है कि जिक्र ही ना करो। हां ठीक है। देखे जनाब साहब, मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजलो करम से सियासत या हुकूमत इन दोनों चीजों को हमसे ज्यादा कोई भी नहीं जानता। अच्छा जोसेफ, अगर ये पनामा स्कैंडल के नतीजे में कोई कौमी हुकूमत या अबूरी हुकूमत बनती है, फिर आपका कोई है चांस? जनाब साहब अगर लोग चाहेंगे कि हम उनकी खिदमत करें तो इंशाल्लाह अबूरी हुकूमत में भी करेंगे और जमहूरी हुकूमत में भी करेंगे। तो आप पूछ लाना यार की कह रहे हैं कि यार की मुश्किल ही लगता है काफली का। अब मुश्किल च फसे है जरा, देखो ना जरा पिंडा थले कोट च फसे है, मुंह जरे दा एनक च फसे है। चाहिए साहब है कह रहे हैं, मेरी तो जरूरत भी नहीं कि मैं तुम्हारे मुतलक ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करा। ओ मैं तो आप काफ लीग चा। इस मुंडे दी ते मुंह दी उदासी दस दी है कि काफ लीग च। मतलब आपका बड़ा जबरदस्त सपोर्टर है। हाँ जी हाँ जी, सारी दुनिया सपोर्टर है जनाब साहब, सारा पाकिस्तान अल्लाह के फजल से हमारे सपोर्ट करता है। ये तो मैंने आपको बताया ना कि जी ये नून लीग वाले इलेक्शन पे डाका डालते हैं, ये मैंडेट चोरी करते हैं, वरना ये लोग हमें वोट देते हैं। अच्छा। ये तो अब बात मशहूर हो गई हुई है कि वोट जिसको मर्जी डालो निकलना नून लीग का ही है। आपका मैंडेट क्यों चुराती है नून लीग? ये हमारा मैंडेट चुराना इनके लिए आसान है ना। वो कैसे? मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ में और नून में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ये काफ का दो नुक्तों में से एक नुक्ता उठा के उसके पेट में रख के नून बना लेते हैं। अच्छा। और दूसरा नुक्ता पकड़ के तो नुक्ता चीनी शुरू कर देते हैं। जो सर कोई वोटर जो है वो काफ लिख के तो नहीं बैलेट बॉक्स में डालता ना, फिर कैसे बन जाता है? आपका इंतखाबी निशान साइकिल, उनका शेर। साइकिल तो शेर नहीं बनता ना। साइकिल भी अच्छी कंपनी का हो तो शेर ही होता है। और उधर शेर में सिर्फ हैंडल ही लुवाना है तो साइकिल लगन लग। हमने तो कभी साइकिल को धारते हुए नहीं देखा, शेर कैसे बन गया? तो साइकिल नु साल 6 महीने तेल लाना दियो ते फिर ओदियां धाड़ां सुनो। पैडल मारोगे तो फिर धाड़ ही निकलेगी। चोरी साहब साइकिल तो नहीं धाड़ा मारदी, हां किसी दी अड्डी चैन च आ जाए तो धाड़ा मार दे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਦਾੜਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਦਾੜਾ ਵਿਚਾਰੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਮਾਰਨ ਡਈ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਕਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਮੈਂ ਪੜ ਰਿਹਾ ਥਾ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਅਬ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਜਾਏਂਗੇ, ਤੋ ਆਪਕੀ ਮੁਰਾਦ ਕਿਆ ਹੈ? ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਤਾਏ ਨਾ। ਨਾਮ ਆਪ ਕਿਸ ਕਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ? ਦੋਨੋਂ ਕੋਈ ਬਤਾ ਦੇ। ਡਰਾਮੇ ਤੋ ਥੇ ਜੀ ਸ਼ਰਦੀਆ ਮਿੱਠੇ, ਮੁਝੇ ਦੁੱਲਾ ਬਣਾ ਦੋ, डबल सवारी, शाबाश बेगम, क्या आ गया जरा, बड़ा मजा आएगा। और एक्टर के नाम है अमानत जान, नवाजन जुमा, अमानुल्लाह खान, इफ्तिखार ठाकुर, और भी तो सब जाहिर है। आपका मतलब तो जो मुल्की सियासत में ड्रामे हो रहे हैं उनकी तरफ इशारा था ना आपका? वो तो सबको पता है, वो को पूछने वाली बात नहीं है। ये नून लीग वाले ये ड्रामे कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? ये हुक्मरान जो बैठे हुए हैं ये ड्रामे कर रहे हैं। ये देखे ना आज ये जो ये हर दूसरे दिन और आज भी बिजली घर का इफ्तिताह करने चले जाते हैं, ये ड्रामा है सारा।
अच्छा जी, बिजली जितने ये इफ्तिताह करते हैं अब तो पूरी हो जानी चाहिए बिजली। तो अगर पूरी नहीं हो रही तो फिर ड्रामे ही है ना ये सारे। अगर इतने बिजली घर बन गए ना तो मिर्चा पीसन डे ने यार, या आटा पीने वाली चक्कियां लगी। जैसे नून लीग वाले कहते हैं कि ये लोड शेडिंग जो है पीपल्स पार्टी का तोहफा है, पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि लोड शेडिंग काफ लीग का तोहफा है। यही तो पाकिस्तान की बदहाली की वजह है कि हर कुर्सी पे बैठने वाला हुक्मरान पिछली हुकूमतों में मुद्दा डाल देते हैं। लेकिन जो साहब आपके दौर के बिल्कुल आखिरी अयाम में लोड शेडिंग वर्स्ट कंडीशन में थी, ये तो एतराफ करें। देखे तो अगर हमें वोट दे देते आप लोग जो दिए भी हैं लोगों ने, अगर ये हमारा मैंडेट चोरी ना करते तो हमने अगले 5 सालों में पूरी कर लेनी थी। अच्छा हाँ जी, ये आप इस दफा हमें वोट दे के देखें जी, अगर हम ना अगले 5 साल में पूरी करेंगे तो आप भेजो। नहीं तो अगर बिजली इसी हुकूमत ने पूरी कर दी तो आप आगे पहले बिजली खत्म करेंगे फिर पूरी करेंगे। इस हुकूमत से पूरी होनी नहीं है, ये तो आप मजाक कर रहे हैं। ये मुझे मालूम है कि आप इस हुकूमत का मजाक उड़ा रहे हैं और ये है ही इस काबिल। सर ये नून लीग कह रही है कि आप अपोजिशन वाले ड्रामे कर रहे हैं। बेटा बड़ा तेरा चूहे के कान का मुंह है, जवाब दे ना। मुंह छोटा से सवाल वड्डा करन दे। लेकिन चौहान साहब ये तो बहरहाल अपनी जगह फैक्ट है कि नून लीग वाले आप लोगों पे ये इल्जाम लगा रहे हैं। अपोजिशन पे लगा रहे हैं, वो तो एडे बदीद हो गए ने साडा ते नाम ही नहीं लैण दे। पता नहीं उन्होंने कहा तकबर चढ़ गए, उन्होंने इमरान खान दे बुखार चढ़ गए और उन्होंने कोई नजर ही नहीं आने। वैसे अल्लाह के फजल से लोगों को ये पता चल गया कि पाकिस्तान को खुशहाल करने वाले कौन लोग हैं और बदहाल करने वाले कौन लोग। चौधरी साहब, नवाज शरीफ साहब ने तो आज भी कहा है कि हम पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल की तरफ लेके जा रहे हैं। ये कौन सा पाकिस्तान है जिन्होंने स्टेयरिंग लगा है? केड़ी सड़क देना पा लिया पाकिस्तान है? ये तो बंदे भी मैंने नून लीग का लग रहे हैं। जनाब यही 200 रुपया भी दिता सी। अच्छा हाँ जी, सूफी ये को 200 कटाए। नज़मिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जब मैं बाथरूम देखता हूं ना तो बड़ा ही दुख होता है कि हम ये छोटी छोटी चीजों की तरफ क्यों नहीं तवज्जो दे रहे। और मेरा ख्याल अपना ये है जाती के ये स्कूलों के अंदर ये शुरू होना चाहिए। मतलब पब्लिक प्लेस पे आपने जो पब्लिक बाथरूम है वो किस तरह इस्तेमाल करने हैं, या आपने पब्लिक प्लेस के ऊपर अपना फोन किस तरह इस्तेमाल करना है। फोन सुनते हुए सड़क के ऊपर इर्द गिर्द के लोगों को शर्मिंदा कर देते हैं, इस तरह की गुफ्तगू ऊंची ऊंची कर रहे होते हैं। ओ भाई, जब हमारे सरकारी स्कूलों में बाथरूम नाम की कोई चीज ही नहीं होगी तो बच्चों को बाथरूम ट्रेनिंग कैसे दी जा सकती है? तो बिल्कुल ऐसे ही है ना कि आप साइकिल पे बच्चे को बिठा के कार की तरबियत दे रहे हैं। वाह 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 वाह, बड़ी अच्छी मिसाल है। जिस तरह के बाथरूम होते हैं इन स्कूलों के अंदर, वो वाकई गड्डी की जगह साइकिल ही खड़ी की हुई। वाकई बुरा लगेगा बंदा कि साइकिल पे बैठ के कहेगा वेपर चलाओ जी। आज मेरी गाड़ी धुआं नहीं छोड़ रही। और शर्मिंदगी की बात इतनी ज्यादा ये है, बल्कि ईमान से नमोशी वाली बात है कि मैंने सुना कि बच्चियों के स्कूलों में कई ऐसी हैं जहां पे बाथरूम नहीं है। ये गांव में अक्सर ऐसे स्कूल हैं जहां पे बच्चियों के स्कूलों में बाथरूम नहीं है, और इनको इस्तेमाल करना पब्लिक प्लेसेस को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करना, इवन मैं समझता हूँ वो भी बच्चों को तरबियत देनी चाहिए। बच्चा तो एक कोरा कागज होता है, कंप्यूटर की तरह होता है, आपने जो उसमें फीड करना है वो स्क्रीन पे आ जाएगा, तो उसमें इस तरह की चीजें जो है वो फीड करनी चाहिए। और ये भी बिल्कुल मानने वाली बात नहीं है कि बच्चा सीखेगा नहीं, जरूर सीखेगा बच्चा लाजमन। और वही एक छोटी सी एज होती है प्राइमरी स्कूल तक वाली जो आप बच्चे को सिखाना चाहें। जबान बच्चा इतनी तेज सीख लेता है, ये बाहर के मुल्कों में हम देखते हैं ना जी कि अगर बच्चों कोई छोटी उम्र में बच्चा चला जाए बाहर के मुल्क में और वहां की बेशक जर्मनी जबान हो या अपना चाइनीज जबान हो या कोई भी हो जापानी हो, वो बच्चे फौरन पिक करते हैं।
बड़े जो हैं उनको नहीं इतनी जल्दी वो जुबान फॉलो करते या पिक नहीं कर पाते जी। इसी तरह मेरा ख्याल है कि ये जो चीजें हैं ना सोशल, हाँ जी, इस हवाले से भी छोटे से बच्चे को अगर सिखाना शुरू कर दे तो वो छेती पिक कर जाएगा और सीख लेगा। ट्रैफिक की चीजें, मतलब निकी निकी चीजें नजर आती हैं सड़क के ऊपर जाते हुए, अगर किसी ने बच्चा उठाया हुआ है बहन हमारी ने या बेटी किसी ने, तो उसके बच्चे की अगर जूती गिर गई है या टोपी गिर गई है या कोई भाई साहब जा रहे हैं तो उनकी कैप गिर गई है जी, तो वो उसी तरह एकदम ब्रेक लगा के एकदम उधर साइड पे पीछे देखना शुरू हो जाते हैं, साइड पे करना शुरू हो जाते हैं। ये इंतहाई खतरनाक बात है। बिल्कुल सही। मैं सोचता हूँ यार इस हवाले से ट्रैफिक को बताया ही नहीं जाता, आवाम को बताया ही नहीं जाता कि अगर ऐसी कोई चीज गाड़ी में से या मोटरसाइकिल पर से जाते हुए गिर गई है तो बड़े मोहतात अंदाज में आपकी जान सबसे कीमती है, वो ये टोपी गिर गई है या आपकी जूती बच्चे की गिर गई है वो इतनी कीमती नहीं जितनी आपकी जान कीमती है। बिल्कुल ठीक। एक साइड पे हो जाए कोई ऐसी बात नहीं। हाँ अगर आपने विग लगाई हुई है हमारे गोगा साहब की तरह और विग उड़ गई है तो उसके लिए शायद ब्रेक ज्यादा तेज लगानी पड़े क्योंकि विग जरा महंगी होती है और बनती भी बहुत तेज, और ऊपर से सर इतना बड़ा हो तो उसको तो स्वेटर की तरह उड़ते हुए 2-2.5 साल लगते हो। क्या खबर खबर कर ले मेरा ख्याल जी। रेडियो खबर है, गोगा बैल की तरह फूंक रहा है जी। समझ नहीं आती हर बड़े आदमी को बीमारी का सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है, हर मुल्जिम मिर्गी का सर्टिफिकेट लेकर आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर आसिम केस में रिमार्क्स। बहुत अच्छे रिमार्क्स हैं और बिल्कुल 100% बात ठीक है कि जरा कोई सख्ती करे को अदारा, हाँ तो फटाफट कोई ना कोई अपना ये सर्टिफिकेट ले आते हैं हेल्थ के महकमे से, मैं बीमार हूं, मैं छुट्टी ले लेते हैं यार साल साल की 6-6 महीने की ये बीमारी का सर्टिफिकेट दिखा के हाँ। तो मिर्गी तो वाकई एक बड़ा आम बहाना है और मेरा ख्याल है ये इसलिए आम हो जाता है कि हमारी गुफ्तगु में ये बहुत आता है। बचपन में आप सवेरे सवेरे स्कूल जाने के लिए ना उठ रहे हो तो वालदा की आ जाती है उठ पोगे तेन मिर्गी पै गई शादी हो जाए तो फिर बेगम से सुनना पड़ता है तुहानू तो थोड़ा जे कुफर मैज कर दी है तुहानू तो मिर्गी पै जाती है जरा सा वड्डे हो जाए तो वालदान कहना शुरू हो जाती है मुंडे नू आवाज मारो तो कोल बैंदे नहीं इहनू तो साडी आवाज तो ही मिर्गी पै जाती है को गुफ्तगू में इतनी मिर्गी पड़ती है कि वो समझते हैं कि इजी बीमारी है ही पुआल होगा तो बीमारी का सर्टिफिकेट दिखा के ना छुट्टी भी ले लेता राशन भी ले लेता यार क्यों इस तरह कर रहे हो यार को अकल करो, जरूर सर्टिफिकेट ही बखाने हैं, वैसे वो मांगे तो तुम उसे राशन नहीं दोगे। अजीजी तेरी वकालत तो सदके जाऊं। अगली खबर पढ़ दें, गोगा आज छुमकर रहा है। दानियाल अजीज, सियासत और बेशर्मी में फर्क को समझे तहरीके इंसाफ। बहुत अच्छी बात की है, बाकी अब सियासत में और बेशर्मी में ज्यादा फर्क रहा ही नहीं है, एवं 19-20 का फर्क रह गया हुआ है, बल्कि 20-20 मैं तकल्लुफ से कह रहा हूँ 19-19 तक पहुँच गया मामला। अब तो दोनों तरफ से बल्कि हर तरफ से ऐसे ऐसे बयानात दागे जाते हैं कि ईमान से पसीना इतनी तेज बाहर निकलता है कि जिस तरह आप किसी के घर गए अंदर कुत्ता बजा हुए थे आप नहीं बाहर निकलते, इस तरह पसीना बाहर आता है पुड़क के। ये क्या मिसाल दी। हाँ हाँ बड़े आराम से किसी के घर दाखिल होना है ऐसे पसीना आता है बाहर। किसी के घर क्या मतलब, तुम्हारी तो कई दफा अपने घर जाकर ये हालत होती है। यार मैं बात सियासत की कर रहा हूँ, तुम मुझे डोमेस्टिक ताने दे रहे हद हो गई है तुम्हारे वाली। देखो तो सही, वाकई सियासत के अंदर इतनी लूज टाक बल्कि गाली गलौज शुरू हो गई है कि ये जो टेलीविजनों के ऊपर नहीं बैठे होते गाली के ऊपर टोन लगाने वाले बंदे, तुम देखना और कुछ देर बाद इनको ओवर टाइम मिलना शुरू हो गई, इतनी टोन लगानी पड़नी है। बल्कि इन्होंने चैनल के मालकों कहना है भाई जी यार टू तो 15 तरीक हेले तो मुक भी गई है। और मालक जवाब में कहेगा की कर दे टू टू को। हाँ जी हाँ जी, आगे से बेचारा वो कारी कर देगा कहा यूर मैं को टू चुक के घर नहीं ले जाता, इतने इस्तेमाल होती है तो मैं ला छा मेरे लो इतने को होर बंदा बा के वेख लो टू बहुत थोड़ी पै जाती है। टू मेरी जिंदगी है यार, पहले टू थोड़ी है तुम चुक चुक और कितने लाई जाती गाड़ों में डाल रहे टू।
क्या है अगली खबर? दुनिया की सबसे छोटी सल्तनत किंगडम ऑफ टॉलरा है, जिसमें कुल 11 लोग रहते हैं। रियासत का रकबा 5 मुरब्बा किलोमीटर है और बादशाह खुद रेस्टोरेंट चलाता है। बहुत अच्छे, यानी ऐसा मुल्क भी है जहाँ पे शाही महल के अंदर ही शाही मुर्ग छोले बेचे जाते हैं। दूसरे लफ्जों में अपने गोगा जी ने सल्तनत खोल ली है, जैसे दुकान नहीं खोलते। देखो यारा, टोटल 11 बंदे हैं अवाम में और बादशाह बेचारा खुद रेस्टोरेंट लगाता है। बादशाह तो बेचारे को मेज से टाकी फेरने वाला लड़का भी नहीं होता, क्योंकि टोटल 11 बंदे ने बादशाह नु आप ही उठ के तो टाकी फेरनी। कितना प्यारा मंजर होगा यार, अवाम जब लाइन में लगी होगी आके बादशाह को कहेगी नली अली पान नली। यार नली तो फिर महंगी होती है, ये कितना बुरा लगता होगा कि गाहक कहता होगा बादशाह बिल ले आओ ना, जाना भी है। और दो हो सकता है शहजादे वहां पे बैरे भी लगे हो। नहीं जी, शहजादे कितों जनाब, टोटल 11 बंदे हैं आवाम में। जिस दिन उनका क्रिकेट का मैच हो बादशाह बेचारा कल्ला ही होटल खोल के बैठा। क्रिकेट भी मुश्किल ही होगी, 11 तो खिलाड़ी होते हैं। कोच कौन, अंपायर कौन? नहीं भाई जी, जेडी बारो टीम खेडन आंदी है ना, वो सारियां चीजां नाल लेके आंदी। और क्रिकेट को छोड़ो, वहां की सियासत कितनी बोर होगी, ना जलसा ना जुलूस ना धरना। मैं तो ये सोच रहा हूँ 11 बंदियां ने धरना दिता हो तो लगना ही नहीं एहतजाज हो रहा, लगता है कोई इन्हां दी गड्डी खो के लै गए ते बेचारे सड़क ते बैठे। लगता मजदूर घंटे दी छुट्टी करके बैठे। इनकी तो इस तरह की खबरें अक्सर आती होंगी, हैजे की वजह से हमारी आधी कौम बीमार हो गई। आज बारिश हुई, सारी कौम ने ही दफ्तर से छुट्टी कर ली। अजीजी मर्दमशुमारी तो उनकी एक मिनट में हो जाती होगी। नहीं नहीं, मर्दमशुमारी कोई नहीं करने आता, आपस में ही उकड़ दुकड़ पंगा पो कर लेते हैं। अजीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।